नमो बुद्धस्, जय भीम, जय भारत। सभी साथियों को सम्यक इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। सर्वत्र हमने जो स्वास्तिक का निशान है देखा है हर जगह पे, और कहीं ना कहीं आपने सभी ने देखा होगा स्वास्तिक का जो निशान है। आज उसी स्वास्तिक के निशान को लेके उसके अर्थ के बारे में, उसके महत्व के बारे में, उसके इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी के साथ। तो मैं स्वागत करता हूँ सम्यक इंडिया टीवी में बोधाचार्य जी का। कृपया अपने विचार रखें और ऐतिहासिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है हमारा मार्गदर्शन करें। स्वागत है सम्यक इंडिया टीवी में बोधाचार्य जी। धन्यवाद भाई हेमंत जी। भारतवर्ष में एक बहुत प्रचलित चिन्ह है जो धार्मिक स्थानों पर विशेष रूप से मिलता है, उसे कहते हैं स्वास्तिक का चिन्ह। बड़ा शुभ माना जाता है, उसके बगैर कोई संस्कार ही नहीं हो सकता। तो ये जो चार भुजाओं वाला स्वास्तिक चिन्ह है, आया कहाँ से? हम बहुत छोटे थे तब से ही इससे संबंधित चर्चाओं में भाग लेने का, उनको सुनने का, समझने का मौका मिला। BHU के बहुत बड़े विद्वान जो प्रोफेसर थे, डॉक्टर जगन्नाथ उपाध्याय और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अंग संग रहे महोपासक सोनलाल शास्त्री विद्या वाचस्पति जी, इनके अलावा और भी अनेक विद्वान जिनमें मेरे गुरु स्वरूपचंद बौद्ध जी और भद्रशील रावत जी, इनका विशेष रूप से इस विषय में सहयोग रहा, इस विषय को क्लियर करने के लिए। हमने प्रायः बचपन में क्या सुना था कि ये तो सनातन संस्कृति का प्रतीक है स्वास्तिक का निशान, मगर कुछ लोग बोलते थे नहीं, ये सनातनियों का नहीं है, ये तो बौद्धों का है। बात गाहे बगाहे चलती रही। बाद में एक चीज़ बड़ी इस दिनों तक चली, वो ये है कि ये दो तरह का होता है। एक होता है दीवार की घड़ी के दिशा में जिसकी भुजाएं घूम रही हैं, उसको कहते हैं क्लॉक वाइज, घड़ी की भुजाओं के अनुरूप इस तरीके से। और एक होता एंटी क्लॉक वाइज, जिसको उल्टा भी कहते हैं। तो ये उल्टा बौद्धों का है जो एंटी क्लॉक वाइज है, और जो क्लॉक वाइज है ये सनातनियों का है। ऐसा बहुत दिनों तक ये चला, मगर हमने देखा भाई डॉक्टर परम आनंद मुंबई में लेणी संवर्धन समिति, और एक बहुत युवा बालक हैं शोधार्थी यहाँ मुंडका में, विश्वेंद्र उनका नाम है, उन्होंने इस बारे में जब जिज्ञासा एक बार व्यक्त की और कुछ जानना चाहा, और उनके उत्तर स्वरूप हमने उन्हें जो कुछ बताया वो हमारे मानस में पड़ा था, वो हम अब अपने दर्शकों को, श्रोताओं को बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, ये दोनों जो गतियों वाला स्वास्तिक निशान है, ये चार आर्य सत्यों का प्रतीक है। चार आर्य सत्य जो बुद्ध के धम्म का आधार, चार आर्य सत्यों में से ही आष्टांगिक मार्ग भी निकला है, प्रतित्य समुत्पात भी निकला है। तो ये बौद्ध धर्म का आधार इसलिए है कि भगवान बुद्ध को जब बुद्धत्व लाभ हुआ था तो वहाँ पर उनको इन्हीं चीज़ों का साक्षात्कार हुआ था। तो उन चार की स्मृति में बौद्धों ने हर एक चीज़ को सिम्बोलाइज किया, उनको चिन्हों में डाला। तो ये चार आर्य सत्यों को उन्होंने चार भुजाओं में डाला, और फिर चार भुजाओं को गति देने के लिए हर एक भुजा को मोड़ दिया। तो ये एक इस तरीके का बन गया। तो ये मूलतः बौद्धों का निशान है, और असलियत यह है कि जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ
कि भगवान बुद्ध ने अपने बुद्धत्व प्राप्ति के बाद अपने जीवन का पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसका नाम है धम्म चक्र पवत्तन सुत्त। धम्म चक्र पवत्तन सुत्त, धर्म के चक्र को, धर्म के पहिए को घुमाने के रूप में दिया गया जीवन का पहला उपदेश। तो वो पहिया किसे घुमाया? वो पहिया वो ही था जो भगवान बुद्ध से पूर्व के 27 बुद्धों ने मिलकर के बनाया था, बन गया था मगर पड़ा था। उसको परिवर्तन करने वाला, उसको घुमाने वाला, उसको गतिमान करने वाला, टू पुट ऑन मोशन, ऐसा करने वाला कोई नहीं था। वो कौन आए? शुद्धोधन पुत्र सिद्धार्थ गौतम से जो बुद्ध बने थे, सम्यक संबुद्ध, उन्होंने उसको घुमाया। तो ये जो अवधारणा है धम्म चक्र की, ये चार भी चक्र के रूप में ही हैं। इसको समझ लो कि भाई चार भुजाओं वाला पहिया है, ये समझ सकते हैं समझने के लिए। तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। पूर्व बुद्ध जब आरंभ होते हैं, उन बुद्धों के बीच में ही सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता आ जाती है। ये निशान वहाँ भी मिला है। और मजे की बात यह है कि ये निशान वहाँ पर भी दोनों अवस्थाओं में मिला है। ये प्रिंट है कंप्यूटर से, आप भी स्वास्तिक, इंडस वैली या सिंधु सभ्यता लगाएंगे तो ये निकल के आएगा। ये देखिए, ये सील है टेराकोटा मिट्टी की बनी हुई, जिनको दूसरी सील से ठप्पा दबा करके ये आकृति उभारी जाती थी। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये दोनों हैं, कहाँ रखी हैं ये? ये ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हैं, ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हैं। और इसमें नीचे इंट्रोडक्शन में लिखा है, एम्बलम ऑफ सनातना धर्मा इज स्वास्तिक ग्रेट डिस्कवरी। तो ये जो जिसको ये सनातन बता रहे हैं, वास्तव में ऐसा धम्म सनातनो, ये बुद्ध का वचन है, बार बार आता है सुनने में, एस धम्म सनातनो, ये धर्म सनातन है। सनातन का मतलब क्या है? अनादिकाल से जो चला आता है उसको सनातन कहते हैं। तो ये इन्होंने सनातन, आजकल तो सनातन धर्म जो ब्राह्मण धर्म है उसको कह देते हैं, मगर पाली भाषा में या बौद्धों में सनातन धर्म किसको कहा गया है? जो एक सत्य है हमेशा, जिसमें किसी परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं होती, उस अटल सत्य को सनातन सत्य कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं। बौद्धों की भाषा में ये सनातन शब्द हमारा है, बौद्धों का है, भारतवर्ष के मूल निवासियों का ये है। ये अभी हमने आपको दिखाया, अब आपको हम दिखाने को तो बहुत कुछ लाए हैं। ये भी वहीं से है, आप इसको देखेंगे ध्यान से। ये देखिए, इसमें चार भुजाएं ये हैं, ये भी वहीं से है, सिंधु घाटी की सभ्यता से है। ये यहाँ पर भी है, क्योंकि धुंधला है, दिक्कत आ सकती है, मगर आपको एक संदेश तो गया कि कोई नई अवधारणा या आजकल की नहीं है, ये बौद्ध भगवान बुद्ध से पहले से भी चली आ रही है, और बुद्ध के समय में तो ये पेटेंट ही हो गया। अब आप ये देखिए, एक और है, ये देखिए, ये भी वहीं से है, ये चार भुजाएँ घूम रही हैं। इसमें ये भी है, इसमें त्रिशरण का भी है, इसमें त्रिशूल का भी जो प्राथमिक रूप है वो दिया है, बाद में चर्चा करेंगे। आज आप स्वास्थ्य की देख लीजिए। तो ये आप देखेंगे कि बुद्ध के चले जाने के बाद बुद्ध ने एक धम्म चक्र पवत्तन सुत्त में एक उपदेश दिया, जिसका अर्थ ये था कि तथागत बुद्ध से संबंध, जीवन से संबंधित जितने स्थान हैं वो अति संवेदनीय हैं। अति संवेदनीय है मतलब वैराग्य उत्पन्न करने वाले हैं, संसार की वास्तविकता का परिचय कराने वाले हैं। तो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित तो चार चीज़ें थी ना, उनके जन्म का जो स्थान था वो लुम्बिनी था, उनके लुम्बिनी के बाद उनका जो बुद्धत्व प्राप्ति स्थान था
वो बोध गया था, और बोध गया के बाद उन्होंने जो अपने जीवन का पहला उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया, और उनका जो शरीरांत हुआ, उनका जो देहांत हुआ, उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ वो कुशीनारा यानी कि कुशीनगर देवरिया के पास, गोरखपुर के पास, वहाँ पर हुआ। तो ये चार स्थान तो हैं, इनके अलावा भी भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित या उनके शिष्यों के महान शिष्यों से संबंधित जो स्थान थे वहाँ पर भी भगवान बुद्ध के अवशेष मिले हैं और बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाओं में मिले हैं। आओ हम चलते हैं दक्षिण भारत में, जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर अमरावती एक जगह है, उस जिसे अब नए प्रदेश की राजधानी बनाने के लिए बड़ी जिद्दोजहद चल रही है। वो क्या है, वो प्राचीन बौद्ध स्थल है, बहुत बड़ा स्थल है और बहुत मूल्यवान प्रतिमाएं वहाँ खुदाई में मिली हैं। वो प्रतिमाएं चूने से बना करके पक्की की गई हैं, जैसे मिट्टी को पका के टेराकोटा बनता है, वो चूने की मदद से बनाए, बड़े कमाल की तकनीक साहब। उस समय के कलाकारों को बार बार नमन करने को मन करता है। तो वहाँ से जो प्रतिमा मिली है, मैं ये उसका नाम है अमरावती। दो अमरावती हैं, एक अमरावती नागपुर के पास है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं वो अमरावती जो आंध्र प्रदेश में है। वहाँ की एक बहुत ही मूल्यवान ये आर्टिफैक्ट, जो चीज़ खुदाई में मिलते हैं उन चीज़ों को हम आर्कियोलॉजी लैंग्वेज में आर्टिफैक्ट बोलते हैं, कृतियाँ, कलाकृतियाँ। ये टूटी हुई कोई चीज़ है, उसमें बड़ा स्किलफुली, बहुत हुनरमंद तरीके से यहाँ पर ये स्वास्तिक का निशान बनाया है। अगर आपको दिख रहा हो, मैं हेमंत जी से कहूँगा इसे क्लोजअप करके दिखाएंगे, तो आप देखेंगे कि इन्होंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को एकाकार कर दिया इस डिज़ाइन में। ये सिद्ध, और मिला कहाँ है ये किसी गैर बौद्ध स्थल से नहीं मिला, ये बौद्ध विरासत जहाँ पर मिली है खुदाई में वहाँ पर मिला है। तो ये बौद्धों का प्रतीक है, ये देखिए ये क्लॉकवाइज ऐसे, और इसी के पड़ोस में ये एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को कितने सुंदर तरीके से, बहुत कलात्मक तरीके से एकाकार कर दिया। तो उस समय की कला कितनी उन्नत रही होगी और कितने विशाल उन्नत प्रतिभा के धनी कलाकार रहे होंगे, जो आज हजारों साल बाद भी हम उनको नमन करने के लिए उतावलापन महसूस करते हैं। आओ आप चलते हैं सारनाथ में, भगवान बुद्ध ने जहाँ अपना प्रथम उपदेश दिया था। अब हम देखेंगे बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली, उस सारनाथ नाम उसका क्यों पड़ा। एक तो कहते हैं कि वह सारंग बहुत थे, सारंग का मतलब होता हिरण, और जो संस्कृत में उसमें पाली में एक नाम है ना मिगदाए, दाव नहीं मिगदाए, उसका मतलब है डियर पार्क, जहाँ पर हिरण बहुत भारी संख्या में रहते हैं, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं मृगदाव, पाली में दाए, ये थोड़ा सा अंतर है। वहाँ भगवान बुद्ध ने जिस स्थान पर उपदेश दिया था वहाँ पर धम्म एक स्तूप बना हुआ है, धम्म एक स्तूप, धम्म से ही बना हुआ, भी धम्म चक्र का एक अपभ्रंश रूप है, उसको धम्म एक कहते हैं। वहाँ अभी भी जो धम्म एक स्तूप भग्नावस्था में खड़ा है, उसकी चारों तरफ दीवार पर बहुत सुंदर पच्चीकारी पत्थर की नक्काशी करके, नक्काशीदार जो पत्थर लगाए हैं उसकी कला भी देखते ही बनती है। वाह क्या सुंदर कलाकार रहे होंगे, कितने तपस्वी कलाकार रहे होंगे। इसमें भी आप देखेंगे ये जो धम्म चक्र है क्लॉकवाइज, और इधर ऊपर आओ तो ये एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरह के मिलेंगे, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये रिपीट हुए हैं बार 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 बार। तो ये जो स्वास्तिक का निशान है इसमें अब कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती, ये बौद्धों की थाती है, बौद्धों की विरासत है और बौद्धों की कमाई है। आज ये देखिए हम कौसाम्बी, इसे भी आपके लिए एक प्रमाण लेकर आए हैं। कौसाम्बी में जो आप देखेंगे दो प्रतिमाएं ऐसी मिली हैं जो सजावटी हैं, उसमें
कितनी देखिए कलात्मक तरीके से चार पौधे की पत्तियां उनके आधार पर ये बनाया है स्वास्तिक का निशान, देख रहे हैं ना अपनी तरफ कीजिए। ये वाला ये निशान, एक पत्ती इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, कुल मिलाकर ये स्वास्तिक निशान है, मगर आरंभिक काम है इसलिए इस तरीके के हैं। और एक वहीं पर एक और पैनल, ये पैनल नहीं है, ये किसी बड़ी चीज़ का नीचे का टुकड़ा है, और इसमें ये भगवान बुद्ध का बुद्ध पाद भी है, और इस बुद्ध पाद में भी ये आप देखेंगे ये सब स्वास्तिक बने हुए हैं, और ये क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी हैं, वो भी हम दिखाएंगे, और वो दिखाएंगे आपको सिंधु घाटी की सभ्यता के। ये कौसाम्बी में एक पैनल है, उस पैनल में ये बीच में ये चार पत्तियाँ इन्होंने अलग और बनाई हैं, ये भी स्वास्तिक का निशान है। और एक मज़ेदार चीज़ और देखिए कि जिन लोगों को ये कहने में कोई संकोच नहीं होता कि इसका बौद्धों से कोई मतलब नहीं है, एक ये बुद्धपाद, बुद्धपाद कहते हैं भगवान बुद्ध के पैर का निशान। बुद्ध के बाद सम्राट अशोक ने एक बड़ा काम अपने कार्यकाल में ये किया कि जहाँ उन्होंने मूर्तिकला का आविष्कारक कहता हूँ मैं तो उनको, मूर्तिकला का आविष्कारक, आर्कियोलॉजी का आविष्कारक, मगर उन्होंने एक चीज़ की सावधानी बरती कि बुद्ध की प्रतिमा नहीं बनने दी। उन्होंने कहा बुद्ध तो रतन है, तीन रतन है ना, बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं, उन तीन रत्नों में से एक रतन बुद्ध हैं, और रतन को क्या पत्थर में बदला जा सकता है ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बुद्ध को पत्थर में नहीं बदलेंगे, मगर बुद्ध को प्रणाम करने के लिए, बुद्ध को स्मरण करने के लिए, बुद्ध के प्रति आदर प्रदर्शित करने के लिए कुछ प्रतीक चिन्ह बनाए गए, उनके पैर के निशान भी बनाए। कई लोग कहते हैं ना भगवान बुद्ध का पैर इतना बड़ा होता था ना, अब ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा 25 फुट की पार्लियामेंट पर रखिए, तो बाबा साहब 25 फुट के तो नहीं थे ना। अभी आप देखेंगे तो ये सम्मान में जो बनाया है तो उनकी उंगली में ये उन्होंने गति के प्रतीक माना गया ना इसको, चार आर्य सत्यों को, धम्म चक्र को और इस स्वास्तिक निशान को गति का प्रतीक माना गया, तभी तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का पंगा फंसा हुआ है। तो ये जो स्वास्तिक निशान है उंगलियों के पोर पर, ये दोनों तरह के हैं, इसमें क्लॉकवाइज भी हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी हैं। ये भी देखिएगा कि ये आउटलाइन में इसी को इन्होंने बनाया है, ये क्लॉकवाइज हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज हैं, ये क्लॉकवाइज हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज हैं, ये पैर की उंगलियों के पोर पर क्लॉकवाइज एंटी, बहुत वहाँ पर बहुत हैं। आप बुद्धास फीट इन गंधार, बुद्धास फीट इन तक्षशिला, ऐसा करके लगाएंगे तो आप गूगल सर्च में इन चीज़ों के दर्शन कर सकते हैं। एक देखिए एक और भी है, ये थोड़ा फिनिश्ड है, पॉलिश्ड है ये पत्थर उस समय का, इसमें भी पोर पर ये स्वास्तिक के निशान बने हैं। मैं कितने निशान दिखाऊं, अब आपको इशारा हमने दे दिया, और कई मित्रों का ऐसा कहना है इस पर हम छोटी सी किताब भी बनाएं, वो भी हम बनाएंगे, हम पैदा ही इसी काम के लिए हुए हैं। मगर अब बच्चों आपको थोड़ा सा अध्ययन करने की आदत डालनी पड़ेगी, किताबों से दोस्ती कर लो, किताबों से दोस्ती कर लो, और जब भी जिस शहर में जाओ उस शहर के म्यूजियम में ज़रूर जाना, आपको पता चलेगा कि हमारे घर का जितना सुंदर सामान, हमारी जितनी सुंदर कला, हमारी जितनी वैभवशाली थाती, वो सब धम्म द्वेषियों ने, जो हमारे धर्म से द्वेष करते थे, उन्होंने हड़प ली, चुरा ली, डकैती डाल करके ले गए, और अपने दर्शन में उनको सजा दिया। तो आप इस प्रकार की जब खोज करेंगे तो आपको पता लगेगा, अरे बुद्ध तो सर्वत्र बुद्ध ही बुद्ध हैं, बुद्ध का चक्रवर्ती साम्राज्य खाली भारतवर्ष तक सीमित नहीं है, एशिया तक सीमित नहीं है, अपितु भगवान तथागत सम्यक संबंध, उनके जीवन से संबंधित चीज़ें भारतवर्ष के बाहर से भी मिल रही हैं, और तो और अफ्रीका से भी मिल रही हैं। तो आज हम ये जो हमने कौसाम्बी का आपको कुछ आर्टिफैक्ट दिखाए, वो किताब ये है, किताबें महंगी हैं, उन तक पहुंचना मुश्किल होता है, मगर आप लाइब्रेरी जो अच्छी लाइब्रेरी हैं दिल्ली में, जैसे नेहरू लाइब्रेरी है, अमेरिकन लाइब्रेरी है, वहाँ इनके आप दर्शन कर सकते हैं। ये अमरावती की किताब मैंने आपको दिखाई थी, इसके भी आपको दर्शन हो सकते हैं।
ये आर्कियोलॉजिकल नेशनल म्यूजियम की बहुत बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, वहाँ भी आप इन किताबों को देख सकते हैं। अब हम इस वायदे के साथ आपको धन्यवाद करेंगे कि बहुत जल्दी ही, बहुत जल्दी का मतलब जल्दी, जो ये गांधी बाबा के तीन बंदर हैं ना भारतवर्ष में, बाबा का कुछ नहीं है, गांधी का कुछ नहीं है, सब हमारे बौद्धों का है। आओ इंतज़ार करते हैं दो चार दिन की, हम आपको उन तीन बंदरों का भी ऑपरेशन करके दिखाएंगे। बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा, और इसको शेयर कीजिए, अपने मित्रों को इसका परिचय कराइए। अगर आपको अच्छा लगता हो तो उसे अपने पास, उस अच्छाई को रखकर ना बैठिए, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको बताइए कि एक न्यूज़ चैनल ऐसा भी आया है जो खुरच खुरच कर अपने सारे इतिहास को अपने बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमो बुद्धस्, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद बादाचार्य जी, आपने बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से हमें और हमारे दर्शकों को समझाया क्या महत्व है स्वास्तिक का, इस निशान का। और वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी से निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जागरूकता बढ़ाएं समाज में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने अमूल्य कमेंट कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। नमो बुद्धस्, जय भीम, जय भारत।